हेलो बच्चों, तो अभी देखना है हमें क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। तो नीचे दिए गए जो सेट है वो इक्वल कौन से है वो देख चेक करना है, एंड विच आर नॉट और कौन से इक्वल नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वल सेट कौन से होते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट में कौन से सेट, ऐसे सेट जिसमें क्या है एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट या नंबर जो होते हैं वो क्या है सेम है, इक्वल है। जैसे कि अगर आपको मैंने दे दिया था सेट ए इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3 और दूसरा दे दिया आपको बी इज इक्वल टू 3 2 1। तो देखो भाई, सिर्फ नंबर सिर्फ क्या है, ऑर्डर अलग है, यहाँ पे असेंडिंग है या फिर डिसेंडिंग है, लेकिन नंबर वही है, मतलब एलिमेंट वही है। देखो 1 इसमें, इसमें 1 है, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये क्या हो गया इक्वल सेट। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल सेट। तो वही अगर आपको नंबर दिया मैंने, ऐसे ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 और बी इज इक्वल टू दे दिया 1 2। देखो इसमें, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल सेट, नॉन इक्वल सेट। ठीक है, तो ये जो सेट है ये इक्वल होंगे नहीं, बस हमें यही चेक करना है। तो ये हमें जो सेट दिए ए बी और सी, इसमें हमें चेक क्या करना है कि इसमें पहले हम चेक करेंगे कि एलिमेंट कौन से है, इसमें नंबर कौन से है, और अगर सब में सेम सेम नंबर आते हैं मतलब दे आर इक्वल। तो देखते हैं पहले, तो यहाँ पे जो है ए, देखो एक्स इक्वल एक्स सच दैट 3x-1 इज इक्वल टू 2, 3x-1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स ये क्या है 3 × x है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये सेट अगर हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 -1, 3 × 1 कितना होता है 2 -1, कितना होता है 2, आ गया आंसर 2। मीन्स यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमने 1 किया मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, मतलब यक्स ये जो सेट है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या है 1 है, यक्स इंत इसके अंदर ही चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट है वो है 1। इसके बाद देखो बी आपको दिया यक्स, यक्स इज अ नेचुरल नंबर बट यक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बताए आपको, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसमें के कौन से नंबर है जो ना, ना जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो वो सिर्फ 1 होता है, कौन सा होता है 1। तो मीन्स यहाँ पे यक्स इक्वल टू क्या आएगा, यक्स इक्वल टू आएगा 1। मीन्स ये जो बी सेट है, तो बी में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है 1। ओके, अब देखते हैं हमें सी का। सी में देखो आप, सी में जो है ये यक्स नंबर है, यक्स नंबर कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, यह मतलब नेचुरल नंबर यही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और वो कैसा है, लेस देन 2 है, मतलब ऐसे नंबर नेचुरल नंबर के नंबर, नेचुरल नंबर सेट के नंबर कि जो 2 से छोटे हैं, 2 से छोटे हैं, मतलब कौन से नंबर आएंगे कि आएगा वो है 1। मीन्स यहाँ पे यक्स इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब सी जो है इसमें भी एक ही एलिमेंट है जो 1 है। देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू भी 1 है, और सी इज इक्वल टू भी 1 है, मतलब तीनों सेट में एक ही एलिमेंट है वो 1 है। तो भी देर पर लिख देना ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब ये कैसे इक्वल सेट है, बस हो गया ऐसे। ठीक है,